दोस्तों, आज हम रीजनिंग की सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आज मंडे है, 25/2/2007 को मंडे है, तो उसके 2-3 महीने के बाद अंतराल में दे दिया जाता है डेट, और पूछा जाता है उस डेट को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैलेंडर जानने से पहले कि लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। ये पहला पॉइंट याद रखना है आपको, और इसको पहचानने का क्या तरीका है, तो ये क्या होगा, डिविजिबल होना चाहिए 4 से। ठीक है, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, जो भी ईयर 4 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं किसके, 2000 को ले लीजिए। ठीक है, ये क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। 2004 को लीजिए, 2016 को लीजिए, ये सब क्या है, लीप ईयर है। और नॉन लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं, 365 डेज होता है, 365 दिन होता है। ये क्या होगा, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, दो पॉइंट, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर का एग्जांपल जैसे ले लीजिए, अभी हम लोग किस ईयर में, नॉन लीप ईयर में, 365 डेज का है। अब चलिए आगे देखते हैं, ये दो पॉइंट था। एक और आता है, इसे हम कोई कोई लीप सेंचुरी लीप ईयर बोलते हैं, लेकिन लीप ईयर के अकॉर्डिंग दो उसी में आएगा वो। ठीक है, इसे सेंचुरी लीप ईयर कोई कोई उसे बोलते हैं, सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है, ये क्या होता है कि 400 से डिविजिबल होता है, जैसे 2000, ये क्या हो गया, सेंचुरी लीप ईयर। ये सिंपली आप लीप ईयर बोलिए या फिर सेंचुरी लीप ईयर बोलिए, तो ये क्या हो गया, सेंचुरी लीप ईयर। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे जितने महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारा मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मंथ लिखा है। ठीक है, और उसके नीचे उस मंथ में कितने दिन होते हैं, वो नंबर ऑफ डेज मैंने लिखा है। देखिए, जनवरी कितने का दिन होता है, महीना 31 का होता है, फरवरी 28 का हो सकता है या फिर 29 का। जब लीप ईयर होगा तो क्या होगा, 29 का महीना होगा, और जब नॉन लीप ईयर होगा तब क्या होगा, 28 का होगा। उसी तरह मैंने सारे लिख लिए। अब इसमें से क्या करें, आप 28 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, सारे मंथ से, तो इससे अगर हम कॉमन निकालते हैं तो कितना हमें बचेगा, यहाँ पे अगर मैं उससे कॉमन निकालता हूँ जनवरी से, तो यहाँ पे कितने, 28 कॉमन निकाला मैंने यहाँ से, तो 31 में 28 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। फरवरी में अगर 28 में 28 गया तो या तो 0 बचेगा, और जब 29 का होगा तब कितना बचेगा, 1 बचेगा। सेम वे मार्च में कितना बचेगा, 3 बचेगा। फरवरी अप्रैल में कितना बचेगा, 2 बचेगा। मई में कितना बचेगा, ये 3। जून में कितना बचेगा, 2। जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में कितने, 2। अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ठीक है, हमें इसी का ज़रूरत है कि किस मंथ में कितना रिमाइंडर बच रहा है 28 कॉमन निकालने के बाद। बाकी आपको कोई याद नहीं रखना है, बस ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ डेज कितने बच रहे हैं, ठीक है, वो आपको याद रखना है। जनवरी में 3, आपको अभी अटपटा सा लग रहा होगा, बट इसका यूज़ देखिएगा, काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस डेज में कितने रिमाइंडर बचे हुए। ठीक है, अब चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आज की डेट क्या है, आज की डेट है 5 अप्रैल। ठीक है, 5 अप्रैल है, तो अप्रैल कितने का मंथ होता है, चौथा महीना होता है, तो 5 अप्रैल 2018। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मुझे पता करना है कि आने वाला, मान के चलते हैं 25 मई मान लेते हैं, 25 मई का कौन सा दिन होगा, चलिए जुलाई लेते हैं, कोई भी डेट आप ले सकते हैं, 25 जुलाई 2018 को
आज कौन सा डे है? आज है आपका थर्सडे। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे निकालेंगे आप। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके जगह पे आपको लिखना है लेफ्ट डेज। आपको यहाँ पे लेफ्ट डेज यानी कि इसमें कितना दिन बचा हुआ है, पूरा महीना कंप्लीट होने में कितना दिन बचा हुआ है। ये तो अप्रैल का महीना है, लेफ्ट डेज का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। ठीक है, तो लेफ्ट डेज कितना है इसमें, अभी महीना पूरने में कितना है, अभी अप्रैल है तो अप्रैल 30 का महीना होता है, तो अभी इसमें कितना 25 दिन बाकी है पूरे मंथ कंप्लीट होने में। ठीक है, तो यहाँ पे 25 दिन अभी बचा हुआ इस मंथ का, अप्रैल मंथ का, तो यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें यहाँ पे क्या लिखना है, यूज डेज। ठीक है, यूज डेज मैंने हम लोगों ने कितना यूज़ करेंगे, अगर 25 तो जितना यहाँ पे दिया हुआ है कितना 25, तो 25 दिन हम इसका यूज़ करेंगे जुलाई का। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा वो लेफ्ट डेज यानी कि इस मंथ में कितने दिन बचे हुए हैं, तो 25 दिन, और इसमें कितने यूज़ हुए हैं, तो इसमें हुए हैं 25 दिन यूज़ हुए हैं। अब ये दोनों को ऐड कीजिए तो 25 25 कितना हो गया, 50 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों, ये अप्रैल है और ये क्या है, छठा महीना यानी कि जुलाई है, सॉरी जून है, ये अप्रैल है और ये जून है, तो ये दोनों के बीच कौन कौन सा मंथ आता है, तो ये देखिए अप्रैल आएगा, उसके बाद क्या आता है, मई आ गया, फिर क्या आएगा, जून। ठीक है, ये चौथा महीना, ये पांचवा, और ये जून क्या हो जाए, छठा महीना, तो इसके बीच में कौन सा मंथ आ रहा है, मई आ रहा है। तो मई का देखिए आपकी रिमाइंडर डे, बचा हुआ दिन कितना था मई में, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था मई में कितना दिन बचा हुआ है, 3 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो इस 3 को हम कहाँ पे ऐड करेंगे, वहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैंने वो 3 को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, 53। अब 53 आ गया, तो अब इसे क्या करते हैं, हम 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, तो 49 आएगा। तो 49 इसको यहाँ पे देख लीजिए, समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में जाएगा, तो 49 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बच गया, 4 बचेगा, 4 बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 4 बच गया, तो 4 ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, शेष। तो ये जो 4 मेरा बच गया, तो इसे क्या करना है आपको, आपको निकालना क्या है, ये 5 तारीख को आपको मालूम है कि कौन सा दिन है, 5 अप्रैल को, और 25 जून को आपको निकालना है कि कौन सा दिन हुआ, यानी कि अप्रैल पहले आता है या फिर जून पहले आता है, पहले क्या आता है, अप्रैल आता है, तो अप्रैल पहले आता है, यानी कि हमें क्या जाना, आगे का डेट जाना है, बैक नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। ठीक है, तो जब भी आगे जाएंगे तो हम उस दिन से जो रिमाइंडर मेरा आएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आगे डेट निकालना है कि आगे का डेट प्रेजेंट से आगे का निकालना है, तो हम जो रिमाइंडर आएगा उसमें से आज के दिन को जोड़ देंगे। ठीक है, तो थर्सडे आया तो थर्सडे में हम 4 दिन और जोड़ देंगे, तो कौन सा दिन होगा, थर्सडे में और 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, फ्राइडे आएगा, फिर क्या आएगा, सैटरडे आएगा, फिर क्या आएगा, संडे आएगा, फिर क्या आएगा, मंडे आए। ठीक है, तो ये 1 दिन 2 3 और 1 4 यानी कि 4 हम इसमें से जोड़ दिए, तो क्या होगा, मंडे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मंडे। ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। आप यहाँ पे आप मोबाइल से भी आप मिला के देख सकते हैं कि 25 तारीख जो होगा, छठा महीना, वो मंडे का ही दिन होगा, यानी कि ये सोमवार का दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्या, जैसे मान लो इसको देखिए, 2 तरीके से भी हम निकाल सकते थे, पहला कि हम 4 जो आया रिमाइंडर, तो उसमें हम इसमें से 4 जोड़ दिए। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम, कि ये 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन में अब इसमें से 7 में से कितना घट रहा है, 3 घट रहा है ना, तो 3 दिन हम अगर हम इसमें से माइनस कर दें, ठीक है, थर्सडे में अगर 3 दिन पीछे चले जाए तो भी मेरा मंडे आएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीका से याद कर सकते हैं,
4 दिन पीछे आगे चल जाइए या फिर इसे 3 दिन पीछे चल जाइए, ठीक है। तो आप दोनों तरीका से आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आज का डेट मैं दे दिया 5 अप्रैल 2018, ठीक है, आज का दिन है गुरुवार, ठीक है, गुरुवार का दिन है। तब मुझे निकालना है पच्चीस जुलाई ले लीजिए, 7वां महीना 2018, ठीक है, 25 जुलाई को मुझे निकालना है। इसको आप कोई भी डेट ले सकते हैं, 25 लीजिए। चलिए कुछ और लेते हैं, एक बार मैंने ले लिया है ये डेट इसलिए अलग लेते हैं। चलिए 7 जुलाई लेते हैं, ठीक है, 2018 को बताना कि कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसमें से कितना दिन बचा हुआ है, अभी महीना कंप्लीट होने में कितना दिन बचा हुआ है, 25 दिन बचा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कितना हम यूज़ करेंगे इसका, इसे आप लिख लीजिए यहाँ पे, ये होता है लेफ्ट डेज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट डेज यानी कि जितना बचा हुआ दिन रहेगा ना उस मंथ में उसे यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे जितना हम यूज़ करेंगे, तो कितना हम यूज़ कर चुके होंगे, 7 दिन यूज़ कर चुके, तो ये 7 यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर दिए, तो 25 कितना हो गया, 32 हो गया। अब देखिए चौथा महीना और 7वां महीना यानी कि अप्रैल, ये क्या है, अप्रैल है, और ये क्या है, जुलाई। तो अप्रैल और जुलाई के बीच में कौन से मंथ आते हैं, तो यहाँ पे देखिए अप्रैल, यहाँ पे मई और जून, ये 2 मंथ आते हैं यहाँ पे, ये दोनों के बीच में। अब ये दोनों के बीच में जो मंथ आएगा उसका जो रिमाइंडर होगा, देखिए यहाँ पे 3 दिन है और यहाँ पे कितना है, 2 दिन है, तो ये 3 और 2 को जोड़ देंगे, तो 3 2 कितना हो गया, 5। तो 5 को फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 2 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 3। अब फिर वही सेम चीज़ करना है, 7 7 से इसको डिवाइड करना है, तो 7 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा ये, तो कितना गया, 35। रिमाइंडर कितना बच गया, 2 2 शेष बच गया मेरा। अब इस 2 को क्या करेंगे, बैक डेट तो नहीं, आगे का डेट निकाल रहे हैं, अप्रैल से जा रहे हैं किसमें, जुलाई में जा रहे हैं, तो जुलाई में जब जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो गुरुवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, गुरुवार की बात फिर क्या होता है, शुक्रवार, फिर क्या आएगा, शनिवार, ठीक है। तो 2 दिन जोड़ना है, 1 दिन जोड़े 2 दिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। अब देखिए आपको एक चीज़ और ध्यान में देना है, कोई भी दिन है, ठीक है, मान लीजिए आज है मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार है, तो मंगलवार के 7 दिन के बाद, 7 डेज के बाद, आफ्टर 7 डेज कौन सा दिन आएगा, मंगलवार ही आएगा, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी दिन है, मंगलवार है, बुधवार है, तो उसके 7 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, सेम डे दिन आएगा। जैसे आज संडे है तो 7 दिन के बाद संडे ही आएगा, अगर आज ट्यूसडे है तो 7 दिन के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं बैक डेट का, जैसे मान लीजिए कोई डेट, आप आज ही का डेट लीजिए, आज से हमें पीछे बैक डेट का निकालना है, 5 अप्रैल 2018 को है, आज है गुरुवार है, ठीक है, और हमें निकालना है कि 1 जनवरी जो था वो, चलिए फर्स्ट जनवरी नहीं लेते हैं, चलिए मार्च का ही निकालते हैं हम लोग, 1 मार्च को निकालते हैं 2018 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पहले होगा ना उसे हम पहले लिखेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए मार्च पहले आएगा, मार्च 2018 के पहले आएगा, और अप्रैल 2018 क्या आएगा, बाद में आएगा, तो जो पहले आएगा उसे ऊपर में लिखेंगे, ठीक है, और जो बाद में आएगा उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें कितना दिन अभी बचा हुआ है मंथ कंप्लीट होने में, मार्च का महीना है, तो मार्च का महीना कितना होता है, 31 का होता है, तो इसमें 1 गया है, यानी कि कितना दिन अभी बाकी है, इसमें 30 दिन बाकी है पूरा मंथ कंप्लीट होने में। अब यहाँ पे देखिए कितना यूज़ कर चुके हैं,
पाँच दिन यूज़ कर चुके हैं, तो ये कितना हो गया, 30 और 5 कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, अब ये 35 हो गया, अब देखिए ये तीसरा महीना है और ये चौथा महीना है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा यानी कि ये मार्च हो गया और ये क्या हो गया, अप्रैल। मार्च और अप्रैल के बीच में कोई मंथ आता है? नहीं आता है, कोई भी मंथ नहीं आता है। तो वहाँ पे जो रिमाइंडर यहाँ पे ऐड करते थे, तो वहाँ पे क्या ऐड करेंगे, जीरो ऐड करेंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई मंथ नहीं है। अगर कोई मंथ होता तो उसका जो रिमाइंडर डेज होता, जो मैंने ऊपर में यहाँ पे बताया था, यहाँ पे देखिए इसमें जो मैंने डे बताया था, उस डेट को हम क्या करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं। बट यहाँ पे कोई मंथ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो ऐड किया। अब कितना आ गया, 35। फिर सेम प्रोसेस है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 से क्यों करते हैं, क्योंकि 7 दिन होता है सप्ताह में, इसीलिए। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार मिल जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो जब ज़ीरो रिमाइंडर बच गया, तो यानी कि ये जो डेट है, दिन है गुरुवार, तो इस फर्स्ट मार्च को भी क्या हुआ, गुरुवार ही था। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए 11 दिसंबर, ठीक है, मेरा जन्मदिन है उस दिन। ठीक है, 11 दिसंबर 2017 को क्या था, मंडे था, यानी कि सोमवार था। ठीक है, क्योंकि मेरा बर्थडे था इसलिए मुझे याद है, मंडे मंडे ही था। अब मुझे बताना है, निकालना है कि 11 11 नहीं, कोई और डेट ले लीजिए, 15 अक्टूबर, ठीक है, 2017 को कौन सा डे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, लेफ्ट डेज, यानी कि जो दिन जितना दिन बचा हुआ है, तो दिसंबर का महीना है, तो इसमें कितने दिन बचे हुए हैं मंथ कंप्लीट होने में, तो दिसंबर कितना का होता है, 31 का महीना होता है, तो अभी कितना दिन बचा हुआ है इसमें, 20 दिन और बचा हुआ है, 20 और 11 करेंगे तो 31 होगा, यानी कि इसमें कितना दिन बचा हुआ, अभी 20 दिन बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कितना यूज़ कर चुके होंगे हम लोग, 1 मिनट देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो डेट पहले, यहाँ पे देखिए कोई कोई कंफ्यूज करेंगे आप लोग, इसलिए मैंने इस स्लिप को पहले इस तरह से लिखा। ये देखिए 2017 है, ये 10वां महीना है, ठीक है, और 2017 12वां महीना है, तो इसमें से पहले कौन सा मंथ आएगा, ऑब्वियसली 10वां महीना अक्टूबर पहले आएगा, देन 12वां महीना आएगा, तो इसीलिए हम इसको ऊपर में ना लिख के इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको नीचे लिखेंगे, जो पहले आएगा उससे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो 11 12 2017 इसको पहले लिखेंगे। अब ये क्या, यहाँ पे क्या है, सोमवार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें से लेफ्ट डेज लिखना है आपको, कितना दिन महीना कंप्लीट होने में बचा हुआ है, तो ये अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर कितने का होता है, 31 का होता है, तो 15 दिन बीत चुका है, तो कितना दिन और इसमें बाकी है, 16 दिन बचा हुआ है, तो 16 यहाँ पे लिख दिए। ये 16 कहाँ से लिखे हैं, इसमें से कितना महीना लेफ्ट डेज, इसलिए मैंने इसको, आप सीरियली सही से लिखेंगे तभी आप सही कर पाएंगे। महीना क्या है, अक्टूबर का है 2017, तो ये पहले आएगा, देन ये बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए पहले ऊपर में लिखें, और ऊपर वाले मंथ में जितना दिन बचा हुआ है महीना कंप्लीट होने में वो लिखें यहाँ पे, तो 16 दिन बचा हुआ है, 16 लिख दिए। इसमें कितना यूज़ हो चुका है, 11 दिन, जो यहाँ पे रहेगा उसी को यहाँ पे सेम लिखना है, तो कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, अब 27 में अब क्या करते हैं, फिर से सेम प्रोसेस, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, कितना रिमाइंडर आएगा, 6 आएगा। अब 6 आया, अब यहाँ पे देखिए ये बैक डेट का निकाल रहे हैं, दिसंबर से अक्टूबर में जा रहे हैं। 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज़ और, सॉरी, यहाँ पे देखिए 27 हो गया। अब 27 में क्या करना है, ये दिसंबर अक्टूबर है, 10वां महीना और 12वां महीना, ठीक है, तो 10वां और 12वां के बीच में कितना महीना आता है, ये अक्टूबर है और ये दिसंबर है, तो दिसंबर और अक्टूबर के बीच में क्या आएगा, अक्टूबर नवंबर आएगा। ठीक है, तो नवंबर का रिमाइंडर डेज कितना है, यहाँ पे आप देख के मैंने बताया था, 2 दिन है। ठीक है,
यहाँ पे देख लीजिए, दो रिमाइंडर हैं, तो दो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 21 होता है, ठीक है, 7 चौक 28, 4 में 4 बार में जाएगा, एक शेष बच गया मेरा, ठीक है, एक शेष बच गया। अब यहाँ पे देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, दिसंबर से अक्टूबर में जा रहे हैं, अक्टूबर का निकालना यानी कि पीछे जा रहे हैं, ठीक है, तो जितना शेष बचा तो उतना दिन हम पीछे चले जाएंगे, तो सोमवार था तो सोमवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, रविवार, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार, ठीक है। अगर यहीं अगर ऐसा कुछ होता कि एक आगे का डेट होता, मान लीजिए मेरा ये रहता रविवार, मान लीजिए ये रहता रविवार दिया हुआ रहता, दिसंबर का आपको निकालना रहता है 11 दिसंबर कौन सा दिन है, तो उसमें भी सेम वे में अगर मान लीजिए एक से समझता तो क्या करते, एक आगे जाते ऐड करते, तो सो रविवार में एक ऐड करते क्या होता, सोमवार आता, ठीक है, तो उसे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो, आज मैंने टाइप 1 बताया, ठीक है, टाइप 1 के बारे में क्वेश्चन बताया, और अगले दिन मैं टाइप 2 के बारे में चर्चा करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके ईमेल में मिल जाए, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।